कड़ाके की ठंड में आपका ठिठुरना और कपकपाना हो जाएगा दूर। सती सिक्योरिटी लेकर आया है आपके लिए हर तरह के हीटर, गीजर, इमर्शन रॉट और कैटल। गीजर 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में। इमर्शन रॉट पानी को गर्म करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। इलेक्ट्रिक कैटल चाय और मैगी के साथ अब सब्जी भी बनाना हुआ आसान। हीटर सर्द हवा में भी ठिठुरना होगा दूर। तो फिर देर किस बात की, आइए सती सिक्योरिटी सेंटर। नए साल के भारी ऑफर के साथ अपने घर ले जाइए हीटर, गीजर, कैटल और इमर्शन रॉड। सती सिक्योरिटी, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, शिव मंदिर चौक, बड़ा बाजार, कटिहार। 854105 बिहार। कॉन्टेक्ट नंबर 06452242573। देश के चर्चित चैनलों में से एक आज तक न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में एंकर सुधीर चौधरी के लाइव प्रसारण के दौरान आदिवासी समुदाय से जुड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले कटिहार समाहरणालय के समक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की है। इस प्रदर्शन के दौरान बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने इसका समर्थन करते हुए विधानसभा में सवाल उठाने की बात कही। विकास परिषद से जुड़े नेताओं ने कहा कि देखिए, जिस तरह से आज देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, आरएसएस भाजपा की ताकत ने केंद्र की सत्ता को हथिया लिया है और किसी भी जुल्म सितम का तरीका अपना के ये लोग हर सत्ता को हथियाने चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र पर इनका विश्वास नहीं है, चुनाव प्रक्रिया से ये आ नहीं सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए दबाव डालकर फर्जी मुकदमा किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, इसे साफ जाहिर होता है यहाँ लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत हो चुकी है। इसके बावजूद भी एक पत्रकार जिस तरह से आदिवासी समाज को गाली दे रहे हैं, आदिवासियों का जो योगदान था इस देश को गुलामी से आजाद करने का, बिरसा मुंडा भगवान, तिलका मांझी जैसे लोग, कुल विद्रोह के नायक, सबसे प्रथम खून बहाया इस देश की 200 साल की गुलामी से इस देश को आजाद करने के लिए, और आज वो वर्ग जब शिक्षित हो चुके हैं, जो जंगल की निगरानी करते हैं, जो पर्यावरण का सुरक्षा करते हैं, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों जनता की रोजी रोजगार के लिए, रोटी के लिए दाना पैदा करते हैं, इसको जंगली कह के गाली दे करके जो अपमानित करने का काम जिस पत्रकार ने किया है सुधीर चौधरी ने, उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करना चाहिए और उस पर मुकदमा चलना चाहिए। और आदिवासियों का किसी भी किस्म का अपमान, हम जो भाकपा माले पार्टी के प्रतिनिधि हैं, विधायक दल जो बिहार का
हम नेता हैं, निश्चित रूप से आने वाला दिन में बिहार विधानसभा में भी इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाएंगे। किसी व्यक्ति के आचरण पर पूरे समुदाय के आचरण को देखा नहीं जा सकता। आप कह नहीं सकते हैं कि कोई हल जोतता है, हल जोतने जाएंगे, कोई और कहीं सड़क पर जो है, मान लीजिए आप ही पत्रकारिता करते हैं तो सड़क की पत्रकारिता करेंगे, इस तरह से जंगली कह के जो अपमानित किया, ये अपमानित बर्दाश्त नहीं होगा। और आदिवासी समाज के साथ हमारी पूरी पार्टी है, मैं खुद हूँ और बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाऊंगा। और हमारे जैसे विद्वान साथी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, गर्व है आदिवासी समाज को, अपने आप होने पर मेहनत की कमाई खाते हैं, दूसरों की कमाई नहीं खाते हैं, मनुवादियों की तरह से दूसरों की मेहनत का वो फल नहीं भोगते हैं। इन लोगों ने देश की हिफाजत की और देश में करोड़ों करोड़ जनता के लिए ये जो अनाज पैदा करते हैं, इसका सम्मान के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ना बैठने का जो मेन मकसद है हम लोग का, वो एक पत्रकार कहा जाए तो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आज तक के न्यूज एंकर भी हैं, सुधीर चौधरी। इन्होंने एक टीका टिप्पणी की है और यह जो है उनका एक कार्यक्रम, लाइव प्रसारण कार्यक्रम चलता है ब्लैक एंड व्हाइट। उसी कार्यक्रम के दौरान जब सीएम जो कि पहले थे हेमंत सोरेन, उनकी जब गिरफ्तारी हुई, उन्हीं के रिपोर्टिंग के समय उन्होंने कहा कि अब तो हेमंत सोरेन जेल चले गए और उनकी रात कैसे बीतेगी, उनकी रात ऐसे बीतेगी, वो तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं, अब उनकी रात ऐसे बीतेगी जैसे वो 20 साल 30 साल और 40 साल पहले जैसे आदिवासी लोग रहा करते थे, उनकी रात ऐसे बीतेगी। यानी कि जाहिरी तौर पर एक मुख्य धारा, एक मेन राष्ट्र जो मुख्य धारा है उसके चैनल आज तक के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा इस तरह का टीका टिप्पणी कि मतलब 20 साल और 30 साल 40 साल पहले जैसे आदिवासी रहते थे उसी तरह उसकी जिंदगी हो जाएगी जेल जाने के बाद। यानी कि कहा जाए तो पूर्णतः जो है आदिवासी को जंगली कहा गया, एक माननीय सीएम जो रह चुके थे उनको जब जंगली कहा गया आदिवासी के रूप में, तो एक आम आदिवासी का क्या वैल्यू रह जाएगा, क्या महत्व रह जाएगा। वो तो बहुत बड़े पद में भी बैठे हुए थे, संवैधानिक पद में थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, अगर इस तरीके से बात उनके खिलाफ की जाती है तो एक आम आदिवासी को क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग। एक आम आदिवासी का बहुत घोर अपमानजनक हुआ है, एक आदिवासी समाज जो है इस तरीके से टीका टिप्पणी से बहुत घोर असंतोष व्यक्त है। और हम लोग का मांग है कि अभी तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के बाद SC ST थाना जाएंगे और वहाँ इनके खिलाफ FIR करवाएंगे, FIR करने के बाद और इनकी तत्काल हम लोग गिरफ्तारी चाहते हैं। और तत्काल गिरफ्तारी अगर सरकार नहीं करती है, प्रदर्शन नहीं करती है, तो हम लोग एक बड़ा जन विद्रोह एक पूरे बिहार राज्य से लेकर के हर राष्ट्र तक हम लोग फैलाएंगे। मेरा नाम ज्ञानेश्वर सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा। न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीवन शैली की बखान करते हुए कहा कि लग्जरी जिंदगी के बाद अब उनके लिए एक तरीके से वैसे ही होगा जैसे 30 से 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर जंगल चले जाना जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, जिससे आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग असहज महसूस कर रहे हैं। ये न केवल उनके द्वारा आदिवासी समुदाय के प्रति जातीय पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बल्कि आदिवासी समुदायों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित भी करता है।